मैं मीसो वालों से भाई परेशान हो चुका हूँ। मन कर रहा है मावा बनाने का। मम्मी आपको पता है मावा क्या है? एग्जाम का भाई बहुत ज्यादा टेंशन है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं मीशो वालों से भाई परेशान हो चुका हूँ। एम नामक जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा उस पर बात कर रहा हूँ कि मैं एक ऑर्डर किया था ऐसे ही फोटो फ्रेम, अभी तक आया नहीं है। और आया नहीं, वो बात हुआ, बोलता कि एक कॉल आता है उसमें आपको कंफर्म करना पड़ता है, नहीं तो वो रिटर्न हो जाता। फिर अब सोचो ऑर्डर देने के बाद बेचारा बिजी हो गया, फोन नहीं उठा पाया, तो फिर वो तो भाई रिटर्न कर देगा और पैसा भी नहीं आया। क्या अजीब पॉलिसी है भाई लोगों का। क्या छोड़ो, उसी पे थोड़ा दिमाग सनका हुआ है। देखते हैं लोग कितना टाइम लगाते हैं पैसा रिफंड करने में। अभी फिलहाल गाइस घर में खाना वगैरह बन रहा है और ये देखो तो अभी कॉल आया कस्टमर केयर से। गाइस कॉल आया, बोल रहा है कि आपका जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, उसका आपका जो सुविधा है वो सुविधा आपका जो परेशानी है वो चला जाएगा, ऐसा बोल रहा है मेरे को। अब देखो मीशो में बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल होता है, बहुत होता है चीज़ ऐसा, तो इसीलिए वो IVR कॉल कुछ कंफर्मेशन वाला कुछ सीन है, उन लोग नया लाए हैं। अब देखो भाई मैं तो फ़ोन नहीं उठा पाया था, लेकिन वो फ़ोन उठाना ज़रूरी था, उसमें एक दबाना था तब जाके वो ऑर्डर आपके पास पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँचे। मैं वेट करे जा रहा हूँ, दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा लग रहा है। तो इधर बन रहा है आलू द नीम, नीम आलू, और यहाँ पे बन रहा है कद्दू। कद्दू बना रही है मम्मी आज कद्दू। अरे मेरा कद्दू का सब्जी बन रहा है आज तो। और क्या बना है? दाल। बस आज तो प्याज लहसुन को ऐसे इग्नोर किया जाता है, मतलब पूछो मत भाई, ना ही यूज होता, देखा तक ही नहीं जाता घर में, यूज कर देखते भी नहीं हम लोग कि भाई लहसुन यूज करना है, प्याज यूज करना है, ये सब ऐसा हो जाता है। शनिवार को बाहर रहने से कभी कभार मैं खा लेता हूँ कुछ एग रोल वगैरह, चिकन रोल वगैरह, तो वो बात अलग है, लेकिन घर में रहने से ये सब एकदम अवॉइड करते हैं पूरा। तो इसीलिए आज ऐसे एकदम सीधा सरल खाना बन रहा है। Later that same evening. तो गाइस शाम हो चुका है और अभी मेरे को मन कर रहा है मावा बनाने का, दूध से पहली बार बना रहे। मम्मी आपको पता है मावा क्या है? नहीं पता? कभी बनाया है? पता नहीं, तो बनाएंगे कैसे? तो मैं भी गाइस पहली बार बना रहा हूँ। असल में जब मैं हॉस्टल में था दोस्तों, तो एक दोस्त था मेरा और उसका जब भी पेरेंट्स आते थे ना तो वो ये चीज लेके आते थे। मैं सोचता था ये कैसे बनाता होगा, ठीक है, और बहुत ही एकदम बेस्ट लगता था मेरे को, ऐसा स्वाद कहीं पे भी नहीं मिलता ऐसा लगा था। हॉस्टल छूट गया और फिर अभी मैं मिस करता हूँ वो चीज, अभी मैं खा नहीं पाऊंगा क्योंकि दोस्त कहाँ रहता है, तो मैं भूल ही गया था। फिर अचानक से अभी मैं वीडियो देख रहा था कैसे बनाते हैं, तो वो चीज मैं अभी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। बनाते कैसे हैं? दूध को तब तक गर्म करते रहना है जब तक वो बन ना जाए, और ऐसे करते रहना है, दूध को ऐसे हिलाते रहना है। पेशेंस बहुत चाहिए ये बनाने के लिए। स्वाद भी तो ऐसा है, थोड़ा मैं चीनी ऐड कर देता हूँ, 2 चम्मच चीनी ऐड कर रहा हूँ, और इसको ऐसे है। तो गाइस देखो इतना सा निकला है, मम्मी अब टेस्ट करके बताएंगे कैसा हुआ है मेरे को, मैं भी नहीं टेस्ट किया हूँ कैसा होगा, मम्मी जाने अब। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं?
गर्म ही गर्म गर्म का लग रहा है, बहुत सही लग रहा है ना भाई ये चीज। अब मेरे को पता चल गया कैसे बनाता है। थोड़ा सा दूध यूज किया था इसलिए थोड़ा सा निकला है। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो सिर्फ दूध लेके आएंगे और यही बनाएंगे। अब मेरी बारी, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कैसा लग रहा है। एकदम वही टेस्ट, एकदम वही टेस्ट। मेरे दोस्त के जो पेरेंट्स मम्मी पापा जो आते थे देखने के लिए मुझसे हॉस्टल में, ऐसा ही सेम स्वाद लेके आते थे भाई। अब पता चल गया मेरे को। तो दोस्तों अब मम्मी देखो मामा का पेड़ा बना दिया है देखो। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, इस गर्मी में रोटी वोटी बनाना बहुत मतलब खतरनाक वाला काम है। बहुत ज्यादा पसीना बहा देता है ये रोटी बनाते ही, क्योंकि ये किचन पूरा हीट हो जाता है। और अभी अभी जस्ट मम्मी रोटी बना के यहाँ पे आके बैठे हैं कूलर के पास। तो आज रोटी के साथ और क्या, आलू भुजिया और अभी ये बादाम। अभी मस्त बैठे बैठे बादाम खा लेते हैं, उसके बाद भुजिया वगैरह सब बन ही जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइस यहाँ पे आलू फूलगोभी भुजिया एकदम मस्त बन रहा है और बाहर चल रहा है, इधर चल रहा है आईपीएल। बादाम और दोस्तों थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है एग्जाम का, तो मैं तब से यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। थोड़ा पता नहीं कैसा होगा एग्जाम, लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगा ना, तो ही कर रहे थे। और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा ना गाइस तब तक मैं थोड़ा बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम जैसे खत्म होगा वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये देखो ये ड्राइंग अभी मैं छोड़ दिया हूँ, पूरा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर ध्यान रखूंगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इतना तो पता है, क्योंकि होता है ना चारों तरफ हाथ फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए फोकस सिर्फ पढ़ाई में अभी है। थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन देख एटलीस्ट कुछ लिख पाऊँ भाई, ऐसा जाके देखा पूरा ब्लैंक हो गया वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत बस MCQs और क्या क्या है सब, बहुत कुछ शॉर्ट नोट वगैरह जो है थ्योरी वगैरह जो वो पूरा अच्छे से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा फिर ड्रॉ करेंगे। अभी तो ड्रॉ नहीं करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे दो तीन दिन में। तो दोस्तों डिनर हो चुका है, एग्जाम का भाई बहुत ज़्यादा टेंशन है। खैर गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।